एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खसूसी खबर। हाईटेक इस्लामिक स्कूल तालाब कट्टे में तालिबे इल्म को 4 माह तक 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करने के लिए हाईटेक इस्लामिक स्कूल के करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल मोहम्मद असलम यूसुफ ने नमाजी बच्चों में कुरान शरीफ, जानिमाज और तस्बीह बतौर तोहफा पेश की। देखते हैं हाईटेक इस्लामिक स्कूल के चंद मनाजिर एक्टिव न्यूज़ चैनल पर हमारे नुमाइंदे इमरान खान के साथ। बेटे आप लोग भी पढ़ के लेना, मेरे को मिला, मेरे को मिला, चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़े जुमा 3 मार्च को कुरान शरीफ मिशन रखा गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 बच्चों को कलाम मजीद तोहफतुन हाईटेक इस्लामिक स्कूल में दिया गया है और ये देने का मकसद दीन में बेदारी, खलूस, मोहब्बत, इत्तेफाक सब जुड़ा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक इस्लामिक स्कूल के बच्चों में जो शुहूर बेदारी आई है, जो फजर से लेके इशा तक जो 5 वक्त के नमाज बच्चे पाबंदी से पढ़ रहे हैं, इसी के तहत आज हाईटेक इस्लामिक स्कूल में जो बच्चे मुसलसल 40 दिन 4 महीने तक हाईटेक इस्लामिक स्कूल में पाबंदी से नमाजों की प्रेजेंस देते हुए, ये तमाम बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे इनामात में जानिमाज, कुरान मजीद और तस्बीहात, पंचसूरा, अम्मा पारा, 1 से 5 पारे तक ऐसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाईटेक इस्लामिक स्कूल के बच्चों ने एक ऐसी मिसाल कायम की है, नमाज कंप्लीट जो है अदा कर रहे हैं। इसीलिए एक हर किसी को मैसेज है कि इंशाल्लाह नमाजों की भरपूर पाबंदी करें और नमाजों की तायद भी करें उन लोगों से जो नमाज की पाबंदी नहीं करते। इंशाल्लाह ये सिलसिला हाईटेक इस्लामिक स्कूल में जारी रहेगा, मुसलसल नमाजें अदा करने पर इनामात तकसीम किए जाएंगे और इंशाल्लाह ऐसी भी मुहिम हाईटेक इस्लामिक स्कूल में चलाएंगे जो साल भर तक मुकम्मल तरीके से नमाज अदा करेगा, इंशाल्लाह उसको स्कूल की फीस माफ कर दी जाएगी इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह जजा। Thank you.
बहुत बड़ी नियमत मिल रही है आप लोग, बहुत बड़ी भी बच्चे हाईटेक इस्लामिक स्कूल में जो एक भी नमाज फंसा नहीं भी, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। फोटो ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं है फोटो का। Active News Channel, Managing Director and Editor Muhammad Imtiaz Ali. For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.